अर्जुन सर तो बहुत गुस्से में हो गए। बेटा आपको अर्जुन सर बुला रहे हैं, आओ। अब का हो यार इतना? अरे भुवनवा, ये पेटी लेके कहाँ जाएगी, तैयारी हो रही है। कछु नहीं लाखन भैया, बक्सा तो सफाई करे के वास्ते निकाले रहे हम। अच्छा, तो फिर इमें कपड़े कहे रखे हैं? अरे चकोरिया के बापू, लाखन भैया को सब कुछ सच सच बता दियो ना, बोलो। अरे कहे ना लाखन भैया कि तोरे डर के कारण ना सीधी बात भी हम उल्टी बोलत है। अब ज्यादा पहेलियां मत बुझाओ, बता कहाँ जाए की तैयारी हो रही है, बता। अब उधमपुर। कहे ना कि हम किशोरी भाभी से मिले थे ना, तो उका मिलके हमको हमारी बहन बहुत याद आई, तो हम का सोचे कि दो तीन दिन के लिए ना हम हमारी बहन को मिलकर आते हैं। कहाँ जाकर? उधमपुर। और वैसे भी यहाँ दो तीन दिन खेतों में तो कुछ काम है ही नहीं, है ना, तो हम सोचे हम कहाँ जाएंगे? उधमपुर। तो ये इमली का है, पुदक पुदक के चिल्ला रही थी लखनवा लखनवा। अरे हमारा उधमपुर से कोनो वास्ता है का? अरे मैं उधम। अरे अरे चुप, अरे कछु ही बोलत है। अरे वो लखन चाचा है, चाचा। अब इज्जत से बोल, ई का लखनवा लखनवा चला रखे। लखन चाचा है वो, और हम का बोले कि लखन चाचा और उधमपुर का कोई वास्ता नहीं है। अरे माई, हम बोल रहे थे कि इमली जरा चाह तो वो पीछे बगिया में से तुलसी का पत्ता ले आ। अरे ये खासियत हमने जान ले आते, जाना। अरे माई। इमली जा, माई के लिए तुलसी का पत्ता ले आ, जल्दी जा। ठीक है जाते हैं। लाखन भैया, हमरी इमली ना बहुत ही तेज है, हमरी कोनो बात नहीं सुनत है, पर तुम्हारा बेटा छगन तुम्हारी जोरू की हर बात मानत है ना? क्यों मरा चुल्लू भर पानी में, जाके गंगा मैया में मुंह धो के आओ। माई बेलन। जोरू का तो काम ही होता है ना घर गृहस्थी संभालना, जोरू के बिना घर नहीं। हाँ ठीक है, हम यहाँ गप लड़ाने या बतियाने नहीं आए। अरे तो काहे आए रहा लखन बेटा? कछु नहीं, तो हम यहाँ ये कहे वास्ते आए हैं कि ये घूमना फिरना जरा कम करो और काम पे ध्यान दो, और हवेली आके अपना और अपने परिवार का हिसाब देख लियो। हाँ लखन भैया जरूर आ जाइए, काम ना करिए तो फिर ब्याज कैसे अदा करी है, परिवार का पेट कैसे भरी है। हाँ ठीक है, चलते हैं हम। और हाँ लखन भैया, आपकी जोरू किशोरी भाभी को हमरा राम राम जरूर बोल देना। हाँ चल चल इमली, हम चलते हैं उधमपुर। नहीं नहीं, हम उधमपुर का है चली, तुम का जा रहे तो तुम जाओ, हम लखन मा जाइए दीदी के पास। ठीक है हम सब लखन मा जाए। अरे क्या हुआ लखन भैया, पटपटिया तो यहाँ खड़ी है, जाए कहाँ रहे हो? तुम लोग अभी तक यहीं ही हो? लो अब हम कहाँ जाएंगे भैया, हम तो हमेशा आप ही के संग रहते हैं। क्या हुआ लाखन भैया, भुवन के घर में कछु हो गया का? नहीं, भुवन के घर में कुछ नहीं हुआ है, लगता है किशोरी भाभी कुछ बोली होगी। ए चुप,
एकदम चुप। हम किसी से डरत नहीं और खासकर अपनी जुड़वा से तो बिल्कुल नहीं। जबान खींच के हाथ मा देना जो दोबारा ऐसी बात कही। भैया अब हम पे काहे बरत रहे हो आप? हम तो ऐसे ही मजाक कर दिए आपसे। ठीक है ठीक है, अभी भैया जी भी इन मजदूरन का पता नहीं काहे छुट्टी दे दिए, परेशानी हमें ही पड़ जाता है। चलो हवेली चलो। कस्तूरी जैसन उधमपुर की माला जपत रही, लागत है उका कोनो खबर मिल गई है हमारी बिजुरिया की उधमपुर मां। किसी ने भी इस तरह अचानक रेस में भाग लेते हुए बच्चों के साथ भागना शुरू कर दिया। देखो ये गलती हमारी मैनेजमेंट की तरफ से हुई है, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। वी आर रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। वैसे इस भूल में बराबर के जिम्मेदार वो लोग भी हैं जिनके साथ ये बच्ची यहां आई है, जो विदाउट एनी परमिशन बिना किसी की आज्ञा के इस तरह रेस में भागने लग गई। जो लोग इस बच्ची को अपने साथ यहां पर लेकर आए हैं उन्हें इस बच्ची को बताना चाहिए था कि इस स्कूल के भी कुछ नियम हैं, जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। और अब आप सबसे क्षमा याचना के बाद हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि जो भी हमारी आंखों ने आज देखा है वो इससे पहले कभी भी किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड में नहीं देखा गया है। नेवर एवर। वो बच्ची जो इस स्कूल में पढ़ती भी नहीं, उस बच्ची ने उस वक्त दौड़ना शुरू किया जब रेस में भाग लेने वाले सभी बच्चे उससे बहुत आगे निकल चुके थे, और वो भी नंगे पैर। उसके बावजूद वो सभी बच्चों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई। और इतना ही नहीं, इससे भी बड़ी हैरत की बात यह है कि इस बच्ची ने अनजाने में इस स्कूल का 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ये बच्ची ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए इनाम की हकदार है डेफिनेटली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम स्कूल के नियम से बंधे हुए हैं, इसलिए हम इस बच्ची को कोई इनाम नहीं दे सकते। Thank you.